राधे राधे संसार में और संसार से बाहर भी स्वर्ग लोक वाले भी वेदों को पढ़कर नहीं समझ सकते, और फिर किसके पास समय है पढ़ने समझने का। तो ब्रह्मा ने कहा, भाई तुम हम सब हमारी औलाद हो, पुत्र हो, संतान हो, छोटी सी उम्र है तुम्हारी कलयुग में, और छोटा सा ज्ञान है, छोटी सी मेमोरी है, तो तुम लोग वेद वोद की बात तो कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मैं बता रहा हूं वेदों को मत करके मैंने जो सार निकाला है वो बस एक सेंटेंस में है, अपने मन को भगवान में लगा दो। मन को और लगा दो, ये नहीं बोलना मन नहीं लगता। हाँ, आप लोग ऐसे ही बोल देते हैं महात्माओं के पास जाकर, गुरुजी मन नहीं लगता। लगना सिद्धि है, लगाना साधना है। लगना आखिर में होता है, लगाना पहले होता है। संसार के हर काम में पहले आपने प्रैक्टिस किया, फिर फल मिला। ABCD से लेकर काखा गाघा से लेकर आज तक जितना ज्ञान प्राप्त किया सब अभ्यास से किया, अपने आप हो नहीं गया। अगर किसी का हो गया तो वो सिद्ध महापुरुष होगा, भगवान होगा, उसकी बात छोड़ो, और बाकी तो सबको अभ्यास करना पड़ा। 20 साल, 25 साल, 50 साल, 100 साल एक भाषा के पीछे 100 साल लगा रहा आदमी, फिर भी परिपूर्ण ज्ञान नहीं हुआ। किसी एक सब्जेक्ट में भी विश्व में कोई पूर्ण ज्ञान का ज्ञाता नहीं है। अभी रिसर्च कर रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ कोई। तो सब विषयों में कोई ज्ञानी बन जाए 100 वर्ष की उम्र में, असंभव है। जो लोग कहते हैं ये मूर्ख है, वो स्वयं मूर्ख है। क्यों? मूर्ख माने क्या? कि वो नहीं जानता। क्या नहीं जानता? ये डॉक्टरी, ये इलाज करने वाला, दवा वगैरह का विषय नहीं जानता है, वो मूर्ख है। हाँ ठीक है, लेकिन वो इंजीनियरिंग की बात जानता है, तो तुम डॉक्टर हो तो तुम मूर्ख हो। एक कृषि की बात जानता है, खेती करने का, वो डॉक्टर को कहता है तुम मूर्ख हो, क्या जानो खेती का हाल। यानी सभी मूर्ख हैं।
एक विषय में भी कोई परिपूर्ण ज्ञानी नहीं है तो सब विषयों में ज्ञानी कौन होगा? तो सभी मूर्ख हुए? किसी में कोई मूर्ख है, किसी विषय में कोई मूर्ख है, किसी विषय में कोई है, सब अलग अलग विषय के माहिर होते हैं। तो भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि मैं सृष्टिकर्ता, इतनी बड़ी बुद्धि रखने वाला, फिर भी मैंने वेदों को मथा। तीन बार त्रिरन्वीक्ष्य, तीन बार मथा। तो ये सार निकला कि तमाम ज्ञान छोड़ो, ये बड़ा ज्ञानी है। अरे जिसने ये जान लिया भगवान में मन लगाना है, बस वो पूर्ण ज्ञानी हो गया। वो वेद को उसने देखा भी नहीं, पढ़ने की कौन कहे, लेकिन वो ज्ञानी है। गौरांग महाप्रभु के समय में एक व्यक्ति गीता का पाठ करता था और संस्कृत आती नहीं थी, तो अंडबंड उच्चारण करता था मनमाना। तो किसी पंडित ने सुन लिया, उसने जाके शिकायत कर दी कि महाराज जी ये गीता का पाठ करता है और संस्कृत आती नहीं, एक श्लोक भी सही नहीं बोलता। महाप्रभु जी ने बुलाया उसको, उन्होंने कहा तुम गीता का पाठ करते हो? कह हाँ महाराज जी करता। ओ तुम समझते हो गीता? नहीं गीता मैं नहीं समझता। तो फिर क्यों पाठ करते हो? पाठ करते समय क्या सोचते हो? मैं सोचता हूं कि श्री कृष्ण नीचे बैठे हैं, अर्जुन ऊपर बैठा है और श्री कृष्ण उसको समझा रहे हैं कि लड़ाई करो, हमारा हमारी आज्ञा है, मन हम में लगाए रहो, बस इतना सा हमें ध्यान रहता है। तो उस पंडित को बुलाया, उसने कहा तुम बताओ गीता में और क्या लिखा है, बोलो। तुम पंडित हो, गीता के बड़े लेक्चरर हो, बताओ और क्या लिखा है गीता में इसके अलावा। तो सबका सार समझना चाहिए। सार यही है, मन को भगवान में लगाओ। इतना सा सार सारा संसार नहीं समझ सका। कोई अक्षरों का पाठ कर रहा है, कोई जप कर रहा है, कोई तीर्थों में घूम रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है जोर से, ये सब तो फिजिकल बात है जी। सार तो है मन को लगाओ, मन को। वो तो लगाए रे, तो तुमने सार समझा कहां? अरे तुमने गुणा तो बहुत किया। देखो चार में चार से गुणा करो 16 हो जाता है, अरे दो में दो से गुणा करो तो 4 हो जाता है, लेकिन 0 में अगर अनंत से भी गुणा करो तो जवाब आएगा 0। तो उसी प्रकार अगर मन संसार में अटैच है और इंद्रियों से भगवान की भक्ति कर रहे हो तो वो भक्ति है ही नहीं, क्योंकि वो सार समझा ही नहीं उसने। तो
ब्रह्मा ने बता दिया कि तुम वेद वगैरह का ज्ञान नहीं कर सकते, मैं बताए दे रहा हूं, बस मन भगवान में लगाओ, तुम वेद के विद्वान हो गए, वेद वेदता बन गए। कोई वेद का ज्ञाता आके बतावे कि इसके अलावा और कुछ लिखा है वेद में? 1,00,000 वेद मंत्र है, 80,000 कर्म कांड के मंत्र, 16,000 ज्ञान कांड के मंत्र, 4,000 उपासना कांड के मंत्र, 1,00,000 मंत्र हैं। और एक एक मंत्र को समझना और उनमें जो विरोधाभास है उसका समाधान करना, ये सरस्वती बृहस्पति नहीं कर सके। मुह्यंत यत सूरयः, बड़े बड़े सूरी मोहित हो गए, वेद का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सके, क्योंकि वेद में ये विलक्षणता है कि शब्द कुछ है, अर्थ कुछ है। शब्द है लिखा जीव और उसका अर्थ है भगवान, शब्द लिखा है आकाश और उसका अर्थ है भगवान, शब्द लिखा है प्राण और उसका अर्थ है भगवान, शब्द लिखा है प्रकृति और उसका अर्थ है भगवान। अब कैसे अर्थ लगाओगे तुम? अक्षरों के अर्थ को अगर लोगे तो तुम कुछ समझ ही नहीं सकते वेद का भावार्थ। ब्रह्मा कहते हैं भगवान में मन लगाना है, बस यही वेद कहता है। सर्वे वेदा यत् पदमाम अनंत, वेद में एक मंत्र है कि जितने वेद मंत्र हैं सब भगवान की ओर ले जाने के लिए इशारा कर रहे हैं, उधर जाओ उधर जाओ, उनमें मन लगाओ उनमें मन लगाओ। लगाओ लगाते लगाते लगने लगेगा, नहीं लगता हाँ तो तुम नहीं लगाते, तुमने कम लगाया इसलिए कम लग रहा है, अधिक लगाओ तो अधिक लगेगा, नहीं लगाओगे तो नहीं लगेगा। लगाना होगा अभ्यासेन तो कौनते, अभ्यास से काम बनेगा।